मानवीय सभ्यता की विकास की कहानी पूर्ण रूप से प्रकाश से जुड़ी हुई है। आदि मानव का जीवन जीव जंतुओं से कोई अलग नहीं था दोस्तों, वह भी उनकी तरह प्रकृति के गुलाम थे। जो भी उनको मिलता वह खा लेते, मौसम की मार झेलते, रात के अंधेरे से डरते और जीवन के लिए संघर्ष करते और सुरक्षित चैन की नींद के लिए गुफाओं में या पेड़ों पर रहते थे। बस दो बड़े अंतर थे, धरती पर हरियाली की चादर पर रंग बिखरे फूल और शाम ढलते ही सूरज की चारों तरफ बिखरी लालिमा। दिन में नीले आकाश की चादर, रात में चांद तारे, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष की छटा आदि जो उन्हें सुख और शांति प्रदान करती थी, तथा प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने की अदम्य चाहत उन्हें जिज्ञासु परिपूर्ण और परिवेश को जानने और समझने की चेष्टा में लिप्त रहते थे। दोस्तों, इसी तलाश में एक दिन आदि मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में यह पहली क्रांति थी की शुरुआत प्रकाश द्वारा हुई थी। दोस्तों, अब उसे सूर्य ढलते ही अपने शरण स्थल की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं रही। अब वह जंगलों में आग जलाकर अपने परिवार और मित्रों के साथ देर तक बातें कर सकता था, आनंद मना सकता था, जलती लकड़ी की मशाल लेकर रात